गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में बड़ी धमाकेदार चीजों की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यार, दो बड़ी गजब की चीजें हैं मेरे पास। ये है एक डबल डेकर आरसी बस, बड़ी कमाल की दिख रही है। दूसरी वाली चीज है यहाँ पर फायर रेस्क्यू ट्रक, इसके अंदर एक स्प्रिंकलर भी दिया हुआ है, इसके अंदर से वाटर भी फेंक सकता है। चलो गाइस, फटाफट से दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं और दोनों के बीच में कराते हैं फाइट। देखते हैं आज की फाइट में कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, दोनों बॉक्सेस को यहाँ पर मैंने रख दिया है। आज सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे डबल डेकर बस। मेरे पास बसेस और ट्रक्स तो बहुत सारी है, पर डबल डेकर बस मैं पहले बार अनबॉक्स करके इसको टेस्ट करने वाला हूँ। ये भी जो बस आ जाती है, बस जी की तरफ से आ जाती है। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है, सारी चीजें यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है। इसको मैंने काफी ज्यादा कम प्राइस में खरीदा है गाइस। अगर आप भी इन दोनों को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को व्यू प्रोडक्ट बिल्कुल ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे दोनों का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो ये वाली बस को खरीद सकते हो। चलो गाइस, फटाफट से बॉक्स को यहां से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बस की क्वालिटी कैसी है। ये आ गई इसकी बैटरी, अपने को मिल जाती है 4.8 वोल्ट 700 एमएच की बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी मिल जाता है। फटाफट से बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं। यार, रिमोट तो यूं ही गिर गया, देख सकते हो। स्टीयरिंग टाइप वाला रिमोट मिल जाता है, ठीक ठाक साइज रिमोट है। रिमोट को रखते हैं साइड में, अभी निकालते हैं अपनी बस को। ओ भाई, क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसके अंदर मेरे को एक दिक्कत यहां पर क्लियरली नजर आ रही है गाइस। यहां पे देख सकते हो, सिर्फ इस बस के अंदर चार व्हील्स दिए गए और दो व्हील्स पीछे या फिर सामने की तरफ अटैच कर देते तो यार बस का जो लुक है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे देख सकते हो लिखा है बस एक्सप्रेस रिमोट कंट्रोल सीरीज बोलकर। आज इस बस की मोटर भी मैं अपग्रेड करने वाला हूं। यहां पे देख सकते हो मोटर बहुत ही ज्यादा छोटी दे रखी है इन लोगों ने, और ये बैटरी भी जो है एकदम बकवास वाली दे रखी है। इसके अंदर मैं मोटर और बैटरी दोनों को अपग्रेड करके इसको सुपर फास्ट बस आज मैं बनाने वाला हूं। ऊपर की तरफ देखो यार, यहां पर भी बहुत सारी सीट्स वगैरह लगाई गई है। ऊपर यहां पर न्यू बस बोलकर एक स्टिकर चिपकाया हुआ है। सैडली यहां पे देख सकते हो यार, व्हील जो है अपन अपग्रेड नहीं कर सकते। बड़े व्हील्स इसके अंदर लगाएंगे तो यहां पर वो व्हील्स फंस जाएंगे गाइस, बिल्कुल भी अपनी बस जो है आगे नहीं बढ़ेगी ऐसा करने पर। चलो गाइस, फटाफट से अपने फायर इंजन को भी बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर किस तरह की बैटरी मिली है। यार, इसके अंदर भी एकदम बेकार टाइप बैटरी मिली है, 4.8 वोल्ट 600 mAh। इन बैटरीज के अंदर बैकअप जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए मैं बार बार गाइस इन बैटरीज को निकाल कर फेंकता हूँ, लगाता हूँ इनके प्लेस में लाइपो या फिर लायन वाली बैटरीज। वो बैटरीज जो है काफी तगड़ी होती है, उनके अंदर पावर भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये रहा इसका चार्जर, इसको रखते हैं यार साइड में। अभी निकालते हैं अपनी फायर ट्रक को। यहां से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ गाइस। बॉक्स जो है इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और अपनी फायर ट्रक का साइज भी देखो यार, काफी ज्यादा बड़ा है। सामने यहाँ पे लिखा है फायर रेस्क्यू बोलकर। इसकी ये जो सीढ़ी है ना यार, अपन इस तरह से पूरी तरीके से देखो ऊपर भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक काफी अच्छा खासा सिस्टम दिया हुआ है इसको इस तरह से रोकने के लिए। यहाँ पर है इसका वाटर टैंक, सच बता रहा हूँ गाइस, इसके अंदर तकरीबन जो है ना हाफ लीटर तक वाटर आ जाता है। बहुत ही बड़ा टैंक दे रखा है यार, क्योंकि ये फायर इंजन है भाई साहब। यहाँ पे फायर फाइटर बोल के लिखा है। अंदर की तरफ देखो यार, दो सीट्स है, स्टीयरिंग वगैरह दिख रहे हैं, सामने की तरफ लाइट्स वगैरह दिए गए, साइड मिरर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक नोजल है। नोजल जो है बड़ी पावरफुल है इसकी। नोजल देखो यार, यहाँ पर एक पाइप से कनेक्ट होकर ये नोजल जो है आकर लग जाती है। यहाँ पर देखो यार, इसके ऑपरेटर को बैठने के लिए एक सीट वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो यार, दोनों के साइज में काफी ज्यादा फर्क है। अपना जो फायर ट्रक है काफी ज्यादा हाइट में ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि यार इसके अंदर यहाँ पर ये लैडर भी दी हुई है, इस वजह से इसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अंदर वाटर टैंक लगा होने के कारण ये थोड़ा सा बल्कि भी नजर आ जाता है। गाइस, आज अपनी अपग्रेडेबल बस जीत पाती है या फिर अपनी फायर ट्रक जीत पाती है। चलो गाइस, लेट्स गो एंड फाइट। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपनी आरसी डबल डेकर बस को। इसके अंदर जब से मैंने मोटर और बैटरी अपग्रेड किया, इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखो यार, इसको मैं जैसे ही स्पीड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अनकंट्रोल होकर पूरी तरीके से नीचे गिर रही है। तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो चला के आपको दिखा देता हूँ। स्लो चलाने पर कंट्रोलिंग काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। ओके गाइस, अभी अपन टेस्ट करने वाले हैं फायर रेस्क्यू ट्रक को। सबसे पहले देखो यार, इसका ये जो स्प्रिंकलर है कितनी दूर तक वाटर को फेंक सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी दूर तक अपना जो फायर
स्कूटर रखा है पानी को फेंक सकता है। ओ माय गॉड, देखो यार बस यहाँ पर पूरी तरीके से भीग चुकी है। बड़ा ही कमाल का स्प्रिंकलर दिया हुआ यार इस फायर रेस्क्यू ट्रक के अंदर। कितनी भी बड़ी आग लग जाए गाइस, ये जो फायर रेस्क्यू ट्रक है वो आग को बुझा सकता है। चलो यार इसको भी थोड़ा सा अपन चला के भी देख लेते हैं किस तरह से इसकी कंट्रोलिंग है और रोड पर ये किस तरह से चल पाती है। इसकी कंट्रोलिंग यार मेरे को सच बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसको चलाने में कुछ अलग ही मजा आता है भाई साहब, कुछ अलग ही जोश आता है ये फायर रेस्क्यू ट्रक को चलाने में। गाइस चलो दोनों के बीच में भी अपन रेस लगाने वाले हैं, देखते हैं रेस में कौन जीता। यहाँ देखो यार अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे बस मैं स्पीड से चलाऊंगा तो बस जीत जाएगी, पर मैं बस को जैसे स्पीड चला रहा हूँ ये बार बार नीचे गिरी जा रही है। भाई साहब रेस में क्लियरली अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक जीत चुकी है। यहाँ पे कराएंगे दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं पुशबैक में कौन जीतता है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ओ भाई काफी जोरदार टक्कर थी, देखो यार दोनों एकदम पीछे की तरफ से इस तरह से उठ चुके थे। यहाँ पे दोनों एक जगह पर रुक चुके हैं, दोनों के अंदर पावर मेरे को उतनी ही लग रही है जैसे कि देख सकते हो। और अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक यहाँ पर चीटिंग करना चालू कर चुकी है, ये बस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पानी फेंक रही है ताकि बस यहीं पर रुक जाए और बस को ये पीछे ढकेल सके। पर अपनी बस देखो यार बहुत ही ज्यादा मजबूत तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है, बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही है फायर रेस्क्यू ट्रक को पीछे ढकेलने के लिए। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। चलो दोस्तों अभी दोनों के बीच में अपन तग्गो फोर करा के देखने वाले हैं यहाँ पर कौन जीता है। पुशबैक में तो कुछ पता चला नहीं है। ओ माय गॉड फायर रेस्क्यू ट्रक देखो और बड़ी पावरफुल निकली, इसने चुटकी बजाते ही बस को अपनी तरफ खींच लिया है और बस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है फायर रेस्क्यू ट्रक, इसको खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। ओ माय गॉड दोस्तों यहाँ पर देखो बस का पीछे का व्हील ही निकल चुका है, इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक इसको घसीट के लेके जा रही है। ओ भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि फायर रेस्क्यू ट्रक इतनी आसानी से हरा देगी। अभी दोस्तों दोनों के लुक्स के बारे में बात करते हैं। फायर रेस्क्यू ट्रक के बारे में तो मैं क्या ही बताऊंगा, जब ये रोड पर चलती है तो भाई साहब इसके सायरन के कारण लोग बाजू में हट जाते हैं। इसका सायरन जो है इतना ज्यादा रियलिस्टिक दिया हुआ है, अति ऑसम दिखाई देती है जब ये रोड पर चलती है। अपनी बस रोड पर चलती है ना भाई एकदम मस्त जबरदस्त दिखाई देती है जैसे कि देख सकते हो। और इसके पीछे और दो व्हील्स दे देते ना ये लोग तो ये काफी ज्यादा रियल बस की तरह ही दिखाई देती है। फिर भी देखो यार इस तरह की बसें जो है लंदन में चलती है डबल डेकर बस, अपनी इंडिया में तो अभी इस तरह की बसें चलना बंद हो चुकी है। काफी ज्यादा कमाल का लुक है भाई साहब अपनी डबल डेकर आरसी बस का। चलो गाइस यहाँ पे रेंज टेस्ट करके देख लेते हैं अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक का कितना ज्यादा दिया हुआ। यहाँ पे देख सकते हो एकदम खुली रोड है, इसके ऊपर मैं इसको चलाने वाला हूँ, देखते हैं कितनी दूर तक अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक जा पाती है। ऑलमोस्ट अभी 60 मीटर दूर तक जा चुकी है। अभी यहाँ पर इसका सिग्नल जो है थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगा है, अभी पूरी तरीके से सिग्नल लॉस हो चुका है। तकरीबन इसकी जो रेंज है 70 मीटर तक दी गई है। अभी अपनी डबल डेकर बस को भी चला के देख लेते हैं ये कितनी दूर तक जा पाती है। दोनों के अंदर 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट अपने को मिल जाता है। यार यहाँ पे देखो बस इतनी जल्दी रुक गई यार, इसकी जो रेंज है सिर्फ 40 मीटर ही दी गई है। क्लियरली वापस से अपनी फायर रेस्क्यू ट्रक जीत चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं ऑफ रोड में आ चुका हूँ, देखते हैं यार अपना फायर रेस्क्यू ट्रक ऑफ रोड में चल पाता है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो और एकदम प्लेन रोड है, इसके ऊपर मैं चला रहा हूँ तो काफी आराम से चल रही है। जैसे इसके सामने मिट्टी आई है भाई साहब ये पूरी तरीके से रुकने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो यार मिट्टी के ऊपर बिल्कुल भी पकड़ नहीं बना पा रही है, टू व्हील ड्राइव होने के कारण इसके पीछे का व्हील जो इस तरह से स्किड कर रहा है। अभी डबल डेकर बस को भी चला के देख लेते हैं ये ऑफ रोड में चल पाती है या नहीं। इसके व्हील्स यार फायर रेस्क्यू ट्रक से भी छोटे दिए हुए, यहाँ पे देख सकते हो यार व्हील्स के साथ मिट्टी भी अंदर जा रही है यार बस के अंदर, मेरे को लग रहा है इसकी मोटर डैमेज हो जाएगी। ओ भाई इसके सामने भी देखो जैसे ही मिट्टी आई है ये भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर रुक चुकी है। दोनों ही ऑफ रोड चलने के मामले में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कमाल का फायर रेस्क्यू ट्रक पसंद है या फिर ये कमाल की आरसी डबल डेकर बस पसंद है। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है सरमीत, संतोष, सोनू, जीत, गोविंद, जसप्रीत, वैभव, वियान, रमजान, संदेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।